हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो प्री बोर्ड है उनकी डेट्स आ चुकी है, यानी कि 10th क्लास की और 12th क्लास की दोनों की आ चुकी है। गवर्नमेंट ने सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सीधे प्री बोर्ड की आपके डेट्स बता देती हूँ कि किस तारीख को कौन सा आपका पेपर है। ये रहा हमारे पास। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है प्री बोर्ड, वो 10th और 12th क्लास के हो रहे हैं यहाँ पे, जो बोर्ड की क्लासेस हैं। तो आपका जो 10th क्लास है, पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। 10th क्लास जो है उसकी डेट यानी कि 21 को हो रहा है, उसका 21 अक्टूबर को। क्या डे? उस दिन थर्सडे है, और उस दिन उनका एग्ज़ाम है सोशल साइंस का। सबसे पहले आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर उसी के बाद डायरेक्ट 12th का देख लीजिए। 12th का है बिजनेस स्टडी या फिर जियोग्राफी। जिनके पास बिजनेस स्टडी है उनका बिजनेस स्टडी का है, और जिनके पास जियोग्राफी है उनका जियोग्राफी का है। फिर 22 को देखिए, 22 अक्टूबर को फ्राइडे है, और उस दिन 10th क्लास का कोई भी जो एग्ज़ाम है वो नहीं है, यानी कि छुट्टी है। और 12th क्लास का आपका इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर 23 है, 23 को हमारा सैटरडे होता है, उस दिन 10th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम है, और जो 12th क्लास है उनमें मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, जिनके पास मैथ्स है। फिर 23 अक्टूबर को मंडे है, और 10th क्लास का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 12th क्लास का एग्ज़ाम है होम साइंस का या फिर फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। जिनके पास होम साइंस है उनका होम साइंस का है, और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनके पास उनका फिजिकल एजुकेशन का है। आगे देखिए, 26 अक्टूबर को आपका ट्यूसडे है, और उस दिन जो 10th है उसका साइंस का एग्जाम है, और 12th का आपका सोशियोलॉजी, और फिर है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का एग्ज़ाम है और सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, जिनके पास जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी छुट्टी है। 27 को वेडनेसडे है, उस दिन 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 12th का है इकोनॉमिक्स का। फिर 28 को थर्सडे है, उस दिन 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या वो बेसिक हो, दोनों का ही है। और 12th का आपका संस्कृत कोर का है या फिर बायोलॉजी का है। उसके बाद 29, देखिए 29 आपका फ्राइडे है, 10th का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 12th का अकाउंटेंस का है या फिर केमिस्ट्री का है या फिर हिस्ट्री का है, ठीक है। 30 अक्टूबर को देखिए सैटरडे है, इस दिन 10th क्लास का हिंदी ए का एग्ज़ाम है, और 12th क्लास का आपका फिजिक्स का है या फिर पोल साइंस का है। फिजिक्स यानी कि साइंस स्ट्रीम वाला है, और पोल साइंस यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम वाला है, ठीक है। तो इसमें पजल नहीं होना है कि एक दिन दो दो एग्ज़ाम है, ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। फिर एक जो नवंबर है, 1 नवंबर, उस दिन क्या है, मंडे है, उस दिन आपका जो 10th क्लास है उनका क्या है, संस्कृत का एग्ज़ाम है या फिर उर्दू का एग्ज़ाम है, ए एंड बी दोनों, और या फिर आपका पंजाबी जो लैंग्वेज होती है उसका एग्ज़ाम है। तो इनके पास एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, यानी कि 1 नवंबर को एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत का एग्ज़ाम है आपका 10th क्लास का, और जो 12th क्लास बची हमारी उनका है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है आपका 1 नवंबर को। तो यहाँ से दोनों ही क्लासेस के हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्लास 10th का भी डिस्कस हो गया और क्लास 12th का भी डिस्कस हो गया है। आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इस जो ये आपको प्री बोर्ड की डेट दिख रही है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आपकी टाइमिंग है, आपकी फर्स्ट प्री बोर्ड है, फर्स्ट टर्म के। सभी को पता होगा, जो जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट है उनका टाइमिंग होगा 11, सुबह के 11 बजे से 12:30 बजे तक का, ठीक है। और जिनका क्या है, इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स हैं उनका होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो प्री बोर्ड है उनकी डेट्स आ चुकी है, यानी कि 10th क्लास की और 12th क्लास की दोनों की आ चुकी है। आई होप आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अपनी प्री बोर्ड की डेट्स।
अपना टाइमिंग, तो प्लीज़ अब आप जल्दी से अपनी तैयारी जो है वो करनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि प्री बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, या फिर हो सकता है COVID-19 ज़्यादा बढ़ जाए और इस साल भी एग्ज़ाम ना हो, तो आपके प्री बोर्ड के नंबर ही लगाएं। इसीलिए प्री बोर्ड को हल्के में मत लेना। और मैं आपको साथ ही साथ इन्फॉर्म कर दूं कि क्लास 12th जो है उसकी हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट्स की, आर्ट्स स्ट्रीम के, यानी कि इकोनॉमिक्स कराई जाती है, इंग्लिश कोर कराया जाता है, हिंदी इलेक्टिव कराया जाता है, फिजिकल एजुकेशन कराया जाता है, होम साइंस कराया जाता है, पोल साइंस कराया जाता है, हिस्ट्री कराया जाता है। ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको 12th क्लास के लिए मिलेंगे। और जो 10th क्लास है उसका हमने सैम्पल पेपर सॉल्व करा रखा है, साइंस का, हिंदी का और मैथमेटिक्स कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपको साइंस के चैप्टर्स भी कराए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट जो हैं 12th क्लास की वो शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो होम साइंस है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है यहाँ से, आपको इंग्लिश की मिल रही है, MCQs कराते हैं हम, एक्सप्लेनेशन भी कराते हैं, पोएम की MCQs कराते हैं, होम साइंस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस की प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स है आपके पास यहाँ पे, फिर हमारे पास हिंदी आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन है, एक्सप्लेनेशन सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है, नोटिस राइटिंग करा रखा है हमने कि कैसे उसको करना है, और उसके जो MCQs हैं वो भी जल्दी से जल्दी लाएंगे हम। साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनके MCQ करा रखे हैं, फिर पोल साइंस आ जाती है, आपकी हिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आपका फिजिकल एजुकेशन न्यू सिलेबस करा रखा है, और फिर हिस्ट्री है यहाँ पे आपकी, इंग्लिश है ऐसे ही सेम, और 10th क्लास के बच्चे हैं तो 10th क्लास के बच्चों के लिए SST है, साइंस है, और आपका ये जो क्लास 12th है के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी इलेक्टिव करा रखा है। तो जल्दी से जाकर इन सभी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, चैनल आपको पता ही होगा यूनिक क्लासेस के नाम से हैं, जल्दी से जाइए और इसे चेक कीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं आप ताकि आप अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ सकें। अपनी जो तैयारी है वो अभी से करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो देरी किस बात की, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्री बोर्ड की डेट जान लें और जल्दी से अपनी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर दें। और अगर प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। और एक और बात, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो किस नाम से है, यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो आप यूनिक क्लासेस सर्च कर सकते हैं, उससे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दी जाती हैं। और इंस्टाग्राम भी हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, तो फटाफट से जाइए और उसे फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके के न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।